हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3, वैद्युत रसायन। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके 2020 में आने का दावा करते हैं। ये वो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया जाएगा कि कोलराउश के नियम का उल्लेख कीजिए, कोलराउश का नियम लिखिए। ये कोलराउश के नियम से आप क्या समझते हैं? तो कोलराउश का नियम, इस नियम अनुसार अनंत तनुता पर इस नियम अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघटे किसी वैद्युत अपघटे की मोलर चालकताओं का मान उस वैद्युत अपघटे के उस वैद्युत अपघटे के धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। काई एम बराबर, ये हो गया आपका धनायन और ये हो गया आपका ऋणायन। ये इसका सूत्र है कोलराउश के नियम का। बस ये इतना सा ही, बस आपको ज़्यादा बड़ा नियम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और बेहतर यही रहेगा कि आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें।